इसके लिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन है नई पहल नई सोच। हम हर स्कूल में जाके और इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं, हर जगह इसको बताते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि गुड टच बैड टच आपको कहीं बताने की या कहीं जाके करने की जरूरत नहीं है, ये आपको अपने अपने घर में करनी चाहिए। हर माता पिता को अपने बच्चे को, आपका बच्चा छोटा है, आप उसके जैसे कि मैडम भाटिया ने बताई है कि उनके चार अंगों पे हाथ बार बार रखिए, क्योंकि वो आपका बच्चा है तो उसको फील कराइए आप कि देखो मैंने आपके लिप्स पे हाथ रखा है, आपने ऑब्जेक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि आपका पेरेंट है वो आपको बता रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि लिप्स पे हाथ रख दिया तो नो, इट इज नॉट परमिसेबल, उसको नो बोलने की आदत डालिए। ये शिक्षा हर पेरेंट हर माँ बाप अपने घर में दे सकता है। इसके लिए ना हमें कोई कार्यशाला की जरूरत है, ना किसी कॉन्फ्रेंस की जरूरत है, इसको घर से शुरू कीजिए। दूसरी चीज मैडम भाटिया ने बोली है ट्रस्ट। ट्रस्ट पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे पास पिछले 13-14 साल से एक मेड है जिसको कि शायद वो फैमिली मेंबर से ज्यादा बढ़ के हमारे लिए, और वो शुरू से ही बहुत छोटी, मैंने उसकी पढ़ाई लिखाई उसका हो गया, आज बड़ी हो गई है। तो जब वो बड़ी भी मेजर हुई तो उसके बाद ही हमने उसके साथ घर का कामकाज कराना उसे शुरू किया। उससे पहले वो जैसे हमारे बच्चे पढ़ते लिखते थे वैसे वो भी पढ़ती लिखती थी। एक दिन मेरी 5 साल की बेटी वो मेरे पास आती है और वो कहती है कि पापा, ललिता नाम है मेरी मेड का, कि वो आई और उसने मेरा गला दबा के मुझे नीचे गिरा दिया। Although it was unbelievable, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जो ट्रस्ट की बात मैडम ने करी है, एक पेरेंट को सबसे पहले अपने बच्चे पे ट्रस्ट करना है, एक बच्चे को अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट करना है। इसलिए मैंने अपनी इमीडिएटली अपनी वाइफ को बुलाया और उनसे मैंने कहा कि क्या ये बात सही हो सकती है। जब हम ये डिस्कस कर ही रहे थे तो मेरी बेटी और वो मेड आपस में खेल रहे थे, वो कर्टेन के पीछे मेड छुपी हुई थी, सडनली वो बाहर निकलती है और फवक फवक के रोके वो बाहर जाती है कि क्या भैया यही आज तक आपने मुझे शिक्षा दी है कि मैं बच्चों के साथ ऐसे करूंगी। मैंने उस मेड के साथ गला जरूर किया होगा, लेकिन एक एग्जाम्पल सेट किया है कि चाहे मेरी बेटी ने झूठ बोला लेकिन मैंने फिर भी उस पर ट्रस्ट किया। और उस दिन मैंने उसको ये बोला कि बेटा झूठ मत बोलना, चाहे आप झूठ भी बोलोगे मैं ट्रस्ट करूंगा, लेकिन अगर आप झूठ बोलते जाओगे ऐसा ना हो कि किसी दिन आप सच बोलो और मैं आपको फेथ ना करूं, आपको ट्रस्ट ना करूं। तो इसलिए अपने बच्चों पे ट्रस्ट करना सीखिए और बच्चों को सिखाइए कि वो पेरेंट्स पे कैसे ट्रस्ट करें। मिसिंग चाइल्ड के बारे में, एक बच्चा कई तरह से हो सकता है, उसका किडनैप हो सकता है, एबडक्शन हो सकता है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग की वजह से बच्चा मिसिंग हो सकता है, बच्चा खुद घर छोड़ के जा सकता है, बहुत रीजंस हो सकते हैं। लेकिन हमें इन रीजंस पे शुरू में जाने की कोई जरूरत नहीं होती है। बच्चा खो गया तो खो गया, चाहे उसका अपहरण हुआ है, चाहे वो खुद चला गया ह्यूमन ट्रैफिकिंग की वजह से गया, जहां मर्जी गया, सब्जेक्ट है बच्चा खो गया, हम क्या करें। अगर हमारा बच्चा खो जाता है तो सबसे पहली हमारी रेमेडी होती है, हम सबसे जो नियरेस्ट अपना पुलिस स्टेशन होता है वहां जाते हैं। बहुत हमने एक बहुत बड़ा शब्द सुना हुआ है FIR, शायद FIR के बारे में हम जैसे ही सुनते हैं तो हमारी रूह कांपती है कि ये FIR क्या होता है। शायद बहुत बड़ा कोई क्राइम कमिट हो गया है, कोई ऑफेंस हो गया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि FIR इसका मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। किसी भी घटना से संबंधित आप पुलिस को पहली बार जो बताते हैं वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन पुलिस को जो आप देते हैं उसको FIR कहा जाता है। कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन क्या इतनी छोटी चीज के लिए हमें धक्के क्यों खाने पड़ते हैं। हम जाते हैं पुलिस वालों के पास जाते हैं,
नौडियाल जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बारे में माइंड नहीं करेंगे, लेकिन एफआईआर उस कंप्लेंट को साइड में रख दिया जाता है, एफआईआर लॉज नहीं होती है, फिर हम क्या करें? हम जाके अगर दिल्ली की मैं बात करूं तो हम एसीपीज, डीसीपीज और कमिश्नर को लिखते हैं। कमिश्नर ऑफ पुलिस खुद उसमें कॉग्निजेंस ले सकते हैं या आपने किसी सबॉर्डिनेट ऑफिसर को डेलीगेट कर सकते हैं बाहर और उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, एफआईआर लॉन्च करने के लिए डायरेक्शन दे सकते हैं। अगर मैं यहां पे थोड़ा सा एक चीज बताना चाहता हूं आपको, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2012 में ये जजमेंट माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया है, जिसमें जिसकी मैं एक छोटी सी लाइन बताना चाहता हूं, ए पुलिस ऑफिसर इज बाउंड टू रिड्यूस द इंफॉर्मेशन ऑफ ए मिसिंग चाइल्ड इनटू एन एफआईआर। क्या हमें इतनी बड़ी बात पता है? हम क्यों धक्के खा रहे हैं? क्या पुलिस वालों को या हमें ये चीज पता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में क्या बोला हुआ है कि अगर मैं मिसिंग बच्चे के बारे में कोई इंफॉर्मेशन लेके जाता हूं तो पुलिस बाउंड है उसको एफआईआर लॉन्च करने के लिए। एक और केस है 2013 का ही सुप्रीम कोर्ट का, ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी, उसमें कुछ डायरेक्शंस पुलिस ऑफिसर्स के लिए दी गई हैं, उसमें भी यही बोला गया है कि जो भी कॉग्निजेंस ऑफेंसेस होंगे या तो पुलिस ऑफिसर इमीडिएटली कॉग्निजेंस लेंगे, किसी को उसको अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर को वो देंगे, इमीडिएटली एफआईआर लॉज होगी। इतनी सारी जजमेंट अगर माननीय उच्चतम न्यायालय हमारे कह रहे हैं, चाहे ललिता कुमारी में, बचपन बचाओ आंदोलन में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद भी एफआईआर लॉज नहीं होती है, तो हमारे पास क्या रहती है? अगर हम कंप्लेंट देते हैं उसके पास सीनियर ऑफिसर्स को, हम कंप्लेंट करते हैं, रिमाइंडर्स देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हमने कंप्लेंट की थी, लेकिन उसके बाद भी एफआईआर लॉज नहीं हुई, फिर भी हम रेमेडी लेस नहीं है। हम 156(3) सीआरपीसी में, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसमें हम मैजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि देखिए हमारा बच्चा ऐसे ऐसे मिस हो गया था, हमने अपने नियरेस्ट जो थाना है वहां पे कंप्लेन कर दी, एसीपी डीसीपी पुलिस कमिश्नर को ले दिया, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। 156(3) में मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को पूरी पावर है कि वो पुलिस अथॉरिटीज को डायरेक्शन दे कि आप इस घटना का इमीडिएटली रिपोर्ट करो और एफआईआर दर्ज करो। अनफॉर्चुनेटली मजिस्ट्रेट, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ आप सब लोगों को कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम रेमेडीलेस नहीं है, पुलिस की मर्जी पे नहीं चलेंगे। अगर 156(3) में भी मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि नहीं प्राइम एफएसआई कोई केस नहीं बनता है, ये मुस्लिम लाइन का नहीं है किसी तरह से, तो 200 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में हमारे पास फिर भी रेमेडी है कि हम प्राइवेट कंप्लेन चला सकते हैं। अगर हमें कहीं पे ये पता चले कि बच्चे का अपहरण हुआ है, एब्डक्शन हुआ है, या बच्चे को कोई टॉफी देके या किसी तरह से, और हमें पता है कि एक्स वाई जेड कोई उस बच्चे को लेके गया है, पुराने पुराने जगह पे हमारा बच्चा है, पुलिस वाले कोई साथ नहीं दे रहे, हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास अगर हमें पता है कि हमारा बच्चा कहाँ है, किसकी कस्टडी में है, तो हम 226 में या आर्टिकल 32 में, 226 में हम हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं, हैबियस कॉर्पस, जिसको कि हिंदी में बड़ा एक अच्छा शब्द, क्योंकि काफी टाइम से हिंदी नहीं पढ़ी है कोर्स में, अनफॉर्चुनेटली अंग्रेजी का बोलबाला है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हम हैवियस कॉर्पस में हाई कोर्ट में जा सकते हैं कि मेरा बच्चा इस दिन से मिसिंग है और मुझे शक है कि मेरा बच्चा उसकी कस्टडी में है, पुलिस इमीडिएटली पुलिस को डायरेक्शन दी जाए कि मेरे बच्चे को कस्टडी से रिकवर करके और कोर्ट के सामने, तो कोर्ट 226 में डायरेक्शन देके और उसको हाई कोर्ट में बुलाएगी और हाई कोर्ट में अपने सामने उसको पेश होने के लिए डायरेक्शन देगी। सेम 32 में माननीय
उच्चतम न्यायालय भी 32 में डायरेक्शन दे सकते हैं। हम क्रिटिसाइज करते हैं पुलिस को, पुलिस ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है। हम क्रिटिसाइज करते हैं कोर्ट्स को कि इस मामले में कोर्ट ने कुछ नहीं किया, शायद ये सब्जेक्ट ऐसे ही रह गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2002 में एक जजमेंट आई थी होरीलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली, उसमें 14/11/2002 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी हुई है, फॉर्मुलेट की हुई है, मिसिंग बच्चों के बारे में गाइडलाइंस फॉर्मुलेट की हुई है। मैं चाहता हूं कि हर एनजीओ को, चाहे वो सच माई चाइल्ड हो या कोई भी एनजीओ, उनको इन गाइडलाइंस के बारे में पता होना चाहिए। जो इस समय में लीगल रेमेडीज बता रहा हूं उनको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी का बच्चा खो जाता है, वो माँ बाप नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते, अनपढ़ हैं, गरीब हैं, तो वो एनजीओ की ड्यूटी है कि उनको बताएं कि आपके पास ये रेमेडी है, उनके साथ जाए थाने में, कोर्ट्स में, और जो मैं बता रहा हूँ उस तरह की रेमेडीज वो अवेल कराएं उनको। होरीलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस ने, क्योंकि समय की थोड़ी सी, और मेरे कलीग्स भी यहाँ पे बैठे हैं, उनको भी बहुत कुछ बोलना है, तो बहुत सारी कुछ शायद मैं बाद में जो टी सेशन होगा उसमें बताऊंगा कि होरीलाल कमिश्नर ऑफ पुलिस ने क्या क्या गाइडलाइंस फ्रेम की हुई है। तो अगर उन गाइडलाइंस को जो फ्रेम की हुई है, पुलिस अगर उन पे चले, उन गाइडलाइंस पे चले, मुझे नहीं लगता है कि बच्चा मिलना मुश्किल होगा, बच्चा आपको इमीडिएटली मिलेगा। एक जो अभी मैंने जजमेंट बताई थी, बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें भी गाइडलाइंस फ्रेम की गई है। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई आपको इस तरह की ये गाइडलाइंस है, इनको फॉलो करना है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पेरेंट्स को या पुलिस को या शायद एनजीओस को ये चीज पता है कि क्या क्या गाइडलाइंस इस बारे में फ्रेम हो रखी हैं। अगर हमें ये पता हो तो शायद इतनी मुश्किलें हमें ना आए जितनी मुश्किलें आज की डेट में हमें आ रही हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इतना सब कुछ हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने बचपन बचाओ आंदोलन में बोल दिया, होरीलाल में बोल दिया, हाई कोर्ट ने बोल दिया, लेकिन ऐसा क्या है कि फिर भी डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। एक लेटेस्ट मैं आपको वो बताता हूं, अगस्त 2018 में एक व्यक्ति मिस होते हैं, नोएडा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ढंग से इस बात को सुने। दिसंबर 2008 तक कोई एफआईआर लॉज नहीं होती है, तो जब ये घटना अखबारों में छपती है तो माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय सो मोटो एक्शन लेते हैं। सो मोटो एक्शन ये होता है कि अपने आप ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास कितनी पावर है कि वो अपने घर में बैठ के रोड पे चलते फिरते कार में वो कोर्ट लगा सकते हैं, अपने घर से ही वो डायरेक्शन पास कर सकते हैं। तो माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली हाई कोर्ट ने कोर्ट में बैठते ही उस पेपर कटिंग की कॉग्निजेंस ली, और उसमें कॉग्निजेंस लेके उन्होंने इमीडिएटली, 6 महीने गुजर गए थे, उन्होंने पुलिस को डायरेक्शन दी इमीडिएटली इसमें एफआईआर लॉज करो, और तब जाके इसमें एफआईआर लॉज होती है उसका। क्योंकि एक बहुत अच्छा, उसके बाद जब ये 2019 में एक लेटेस्ट क्योंकि ये जजमेंट है इसलिए इसके बारे में बताना चाहूंगा, हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर पास किया। By virtue of order dated 26/3/2019, investigation was transferred to the crime branch Delhi to be conducted under the supervision of DCP. Into missing persons above the age of 18 years needed to be transferred within a period of time frame to the crime branch. मैं हाई कोर्ट डायरेक्शन देती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, हम सब लोगों को पता होनी चाहिए। Delhi police is also directed to consider allowing registration of FIRs with regard to missing persons online by way of SMS, emails, WhatsApp. इतना अगर हाई कोर्ट आपको ये कह देती है कि
कि अगर किसी का बच्चा हो जाता है, कोई व्यक्ति हो जाता है, आप एक व्हाट्सएप कर दो, ईमेल कर दो, कोई मैसेज भेज दो और आपको पुलिस इस बाउंड को रजिस्टर करें FIR। ये अगर हमें पता होगा, हम नियरेस्ट अपने पुलिस स्टेशन में चले जाएं और उनको ये बता दें कि लोग हाईकोर्ट है पास दिस ऑर्डर ऑन सो एंड सो डेट, यू आर ड्यूटी बाउंड टू लॉज एन FIR। मुझे नहीं लगता है कि कोई FIR आपके केस में न लॉज हो। जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स।